तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोशन राज और आप देख रहे हैं क्लास टेंथ स्पेशल चैनल स्टूडेंट्स लाइव। बच्चों, अगर अभी आप क्लास टेंथ या फिर ट्वेल्थ में हो और 2024 में आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन है तो इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि सीबीएसई ने 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कई सारे चेंजेस किए हैं, जिसमें से एक जो सबसे बड़ा चेंज किया है वो एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर है। पहले एग्जामिनेशंस का जो पैटर्न था और अब आपकी जो एग्जामिनेशंस की पैटर्न है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो एग्जाम पैटर्न क्या है 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस का, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एग्जामिनेशंस के पैटर्न को बताने से पहले मैं आप लोगों को सिलेबस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा कि सीबीएसई ने 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए नई सिलेबस भी निकाली हुई है, तो आप अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना, क्योंकि अब जो नई सिलेबस निकाली गई है इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हटाया गया है। खास करके अगर हम सोशल साइंस का बात करें तो पहले 5-5 चैप्टर्स पढ़ने थे 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस में, लेकिन अब 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस में केवल 3 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, उसमें से भी एक चैप्टर आधा पढ़ना है। अब हो सकता है कि आपके जो स्कूल वाले हैं उन चैप्टर्स को पूरा करवाएंगे, और अगर आप सिलेबस नहीं देखते हो तो इससे क्या होगा कि आपके स्कूल वाले पूरा पढ़ा देंगे, आप उन चैप्टर्स को पढ़ पढ़ के रहोगे, आपका समय का लॉस होगा। तो इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को एटलीस्ट एक बार आप लोग जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन पे हमने सभी सब्जेक्ट के सिलेबस का लिंक दिया हुआ है, वीडियो हमने बनाई हुई है तो उसको एक बार जाके जरूर देख लेना। और अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो सभी सब्जेक्ट के सिलेबस का PDF हमने अपने ऐप में डाल दिया है, डाउनलोड करना होगा तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना, आपको सभी सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में आप लोग को एक एक करके बताता हूँ। देखो, कंपेयर हम करेंगे 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस का और 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस का। 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस का जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो कुछ इस प्रकार से था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इसमें 40% पूछा गया था, लेकिन अब आपका जो ये 40% से बढ़ाकर है ये 50% कर दिया है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ाने का मतलब ये है कि आपकी जो क्वेश्चन की लेवल है वो हाई रहेगी, पहली चीज़ ये हो गई। अब यहाँ पे दूसरा जो 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए था कि इसमें क्या था कि 20% यानी कि 20 क्वेश्चन जो था वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें से कोई जरूरी नहीं था कि सारे क्वेश्चंस MCQ में हो, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हो, कुछ क्वेश्चंस MCQ में रहता था और बाकी क्वेश्चंस ऐसे ही 1 मार्क्स में रहता था, उसमें ऑप्शंस नहीं रहता था। लेकिन अब आपकी जो ये बोर्ड एग्जामिनेशंस हो रही है 2024 की, इसमें 20% टोटल आपका MCQ में रहेगा, यानी कि 20 क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, 4 ऑप्शंस, कोई एक ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या था इसमें 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो इसमें 40% जो क्वेश्चंस है वो हमारी किताबों से पूछा जाता था लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप में, जबकि अब जो है ये आपका ओनली 30% पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका सिर्फ देखा जाए तो पासिंग मार्क्स वाला ही जो क्वेश्चन है वो आपके किताब से रहेगा, बाकी यहाँ पे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपका थोड़ा सा हाई रहेगा। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझना पड़ेगा, चैप्टर को अच्छे से रीड करना होगा, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, क्वेश्चन रटना नहीं होगा। तो अभी से हम लोग अच्छे से एग्जामिनेशंस की तैयारी करेंगे तो अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एग्जामिनेशंस की पैटर्न है वो यहाँ पे हमने आप लोग को बता दी है। आए के वीडियोस में और भी जो भी और भी सीबीएसई के तरफ से अपडेट्स आएंगी तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू, बाय बाय।